कैसे करेंगे काम ये? सोचते कैसे करेंगे ये? हाँ रुको, मैं एक बार ट्राई करती हूँ। करो तो। पहला काम तो हम कर ही नहीं पाए, मेरा चैलेंज कैसे पूरा करेंगे? सोचती हूँ। अब देखिए, हमारे पास दो ग्लासेस हैं पानी से भरे हुए, हमें उन्हें एक दूसरे के ऊपर खड़ा करना है। अब बताइए कैसे करेंगे हम? यस, हो गया। लेकिन दूसरा काम कैसे होगा? इस स्ट्रॉ की मदद से ऊपर वाले ग्लास को खाली करना है। यस, हो रहा है। हवा ने अंदर जाके पानी को मारा धक्का और पानी को भगा दिया बाहर। दिखती नहीं तो क्या हुआ, लेकिन है बड़ी दमदार हवा। कुछ जगहें मशहूर होती हैं, तो वहां रहने वाले लोग जगह के नाम से जाने जाते हैं, और कुछ लोग मशहूर होते हैं तो जगहों को मिल जाती है उनसे पहचान। ऐसी ही जगह है जमानी। हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक हरिशंकर परसाई का जन्म हुआ यहीं। राज्य मध्य प्रदेश, जिला होशंगाबाद, छोटा सा गांव जमानी, और जमानी के माध्यमिक स्कूल में ही आज खुद बुद्ध। बच्चों में हिचक पर जोश, शर्मा भी रहे हैं और कौतूहल भी है जगह। मुझे चाहिए एक खाली ग्लास, कौन लाके देगा यहाँ पर? मैंने खाली ग्लास मांगा था, देखो कोई और खाली ग्लास लाके दो। खाली कहाँ है? खाली ग्लास दो। मैम खाली। क्या ये ग्लास खाली है? किसने कहा भरा है? क्या है ग्लास में? कुछ नहीं। तो फिर भरा कैसे? भरा ही नहीं है। हंसी मजाक कंफ्यूजन के बीच खेल आगे। सामने दो बोतल, एक में क्या है? पानी। एक में थोड़ा सा पानी, लेकिन दूसरी खाली है। खाली है जी। खाली है तो जरा भर दिया जाए उसे पानी से। जिसको आप कहते हो खाली बोतल है, उसको भर दो पानी से, थोड़ा सा पानी डालो। लेकिन पानी वो तो कुप्पी के छेद के अंदर जा ही नहीं रहा। क्या हो गया? मैं कह रही थी बोतल खाली नहीं है, कैसे जाएगा अंदर? इस शरारत भरी खुदबू के साथ सवाल। मैंने क्यों कहा कि ये ग्लास खाली नहीं है? क्योंकि उसमें हवा भरी थी और हमारे चारों तरफ हवा ही हवा है। एयर के बारे में हमने कुछ सोचा ही नहीं था, हम सोचे कि वाटर के बारे में होगा कुछ। हवा के बारे में हम अक्सर भूल ही जाते हैं, दिखती जो नहीं। समय आ गया राज खोलने का, बात समझने का। कुप्पी लगी बोतल में पानी है, लेकिन पलटो तो भी नहीं गिरता बाहर। क्या हो सकता है इसका कारण? क्योंकि उसमें हवा थी और हवा को बाहर आने नहीं दे रहा था पानी। मैडम जी, उसमें कुछ लगा है इसलिए वो पानी नीचे नहीं जा रहा है इसलिए। पोस्ट के साइड में जो लगा है उसने हवा को रोक लिया था, इसलिए पानी अंदर नहीं जा रहा था। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालती तो चला जाता, एकदम से पूरा डाल दिया तो इसमें एयर थी तो एयर के मारे अंदर नहीं जा रहा पानी। सब ने बूझ लिया कि बोतल के अंदर हवा थी और उसी ने पानी को अंदर जाने से रोका। क्यों और कैसे, बोतल का मुआयना ही बताएगा। बोतल पर हमने पहले ही लगा दिया था ब्लू टैग, च्युइंग गम या गूंदे हुए आटे की तरह एक चिपचिपा पदार्थ। सील कर दिया था बोतल को और कुप्पी को इस तरह कि बोतल से हवा जाने का बचा था सिर्फ एक रास्ता, कुप्पी का छेद, और उस छेद को बंद कर दिया था पानी ने। क्या हवा का वजन होता है?
नहीं। हवा का वजन होता है या नहीं? वजन होता है हवा का? होता है। हवा का वजन नहीं है। हाँ या ना? अखबार और रूलर का खेल बताएगा। हल्का फुल्का रूलर, उसका ज्यादा हिस्सा अखबार के नीचे, थोड़ा मेज से बाहर। ये भला गिरता क्यों नहीं? बिछे हुए अखबार पर वातावरण की हवा की बहुत सी मात्रा, उसका भार, इसीलिए हम रूलर को गिरा नहीं पाते। अगर हम आसानी से भीगने वाले टिश्यू पेपर को मोड़ मसोस कर ग्लास के तले में डालें और उसे सीधा डाल दें पानी के अंदर। गिनो सब लोग, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। सूखा होगा कि गीला? सूखा। सब कहते हैं सूखा जी, निकाल लो। सूखा। तो इसका क्या मतलब हुआ? हवा जगह घेरती है। शैतानी हवा, चुलबुली हवा, भारी बलगन हवा। खेल की शुरुआत मुआइने से। एक बोतल जिसके मुंह पर लगा है गुब्बारा, फूंकने पर भी फूलता नहीं वो। आज की चुनौती है ये, प्लास्टिक की बोतल के मुंह पर लगाना है गुब्बारा, नीचे करना है छेद और फिट करना है एक स्ट्रॉ, फिर देखना है कि फूंक मारने पर क्या होता है और जो होता है वो क्यों होता है। हमेशा की तरह सूझबूझ, नोट्स के साथ साथ सहयोग और समझ के लिए भी अंक। फूलने पर गुब्बारा आ रहा है बाहर, बोतल के अंदर ही फुलाने का तरीका भी ढूंढ लिया। जब आप हवा अंदर खींच रहे हो तो गुब्बारा क्यों फूल रहा है? क्योंकि हम हवा को खींच रहे थे अंदर से, तो वो हवा के वजह से फुग्गा भी फूल रहा था। जब हम अंदर की तरफ सांस लेते हैं तो ये रबर इधर आती है और हवा भराती है बाहर से, जो दबाव डालते हैं। हवा अंदर जाती है तो वो भरा जाती है उसमें, तो वो फूल जाता है। बाहर से मतलब उसको खींच रहे हैं हवा, तो मैम वो गुब्बारा आते जा रहा है, उसमें हवा भराते जा रही है। लेकिन अंदर फूकने पर गुब्बारा इस तरह बाहर क्यों आ रहा है? अंदर से अब दबाव पड़ रहा है, बाहर की ओर गुब्बारा फूल रहा है। गुब्बारे और छेद वाली बोतल से साफ हुई समझ हवा के दबाव की और गुब्बारे के फूलने पिचकने के राज की। लेकिन अगर हम बोतल के अंदर फुला दें गुब्बारा और बंद कर दें स्ट्रॉ, फुग्गा वहीं की वहीं रुक जाएगा गुब्बारे के उसमें, मतलब इधर अंगूठे लगा लेंगे इसलिए नहीं जा पाएगी। पक्का जी? लगा लेंगे हाथ तो वो हवा उसी में रह जाती है, बाहर नहीं आ पाती है। हवा बाहर नहीं निकल पा रही है, उसका मुंह भी खुला है, हवा का दबाव पड़ रहा है। खेल खेल में हवा के दबाव और उसके भार की बात साफ। पहला पुरस्कार चुलबुली हवा को, स्पष्ट सोच और बढ़िया प्रस्तुति के लिए। दूसरे स्थान पर शैतानी हवा, सूझबूझ और सहयोग के लिए। हवा के भार और उसके दबाव को खूब समझे, भारी भरकम हवा भी मिला तीसरा स्थान। पानी ले लो, पानी पानी ले लो, पानी लो, पानी पियो, गर्मी लग रही होगी ना तुम्हें। बुद्धू बन गए ना, उसमें छेद है। तुमने मुझको बुद्धू बनाया ना? प्यो, प्यो। ए? क्या ये प्यो प्यो? तुम भी बुद्धू बन गई। अब चलिए मेरे साथ
मोरो के गांव। ओ पियो पियो। गुजरात राज्य के आनंद जिले में है ये गांव, छोटा सा शांत सुंदर। चिकोधरा के गमोदपुरा गांव की शान उसके मोर। खेतों में मुंडेरों पर सड़कों पर मजे से घूमते फिरते मोर। इसका बहुत सा श्रेय जाता है गमोदपुरा प्राथमिक शाला को। ये स्कूल मोरों के संरक्षण और सुरक्षा में सक्रिय है। अगर हमें गुब्बारे में हवा भरनी है तो हम क्या करेंगे, फूंक बाहर मारेंगे कि अंदर सांस लेंगे? हमने उठाया गुब्बारा और हमने अंदर ली सांस और उसको डाली फूंक। कितना बड़ा हो गया? क्यों हो गया गुब्बारा बड़ा? गुब्बारे में हवा गुब्बारे को बड़ा कर देती है, सबको पता है। लेकिन इसका मतलब क्या है, क्यों बड़ा हो जाता है गुब्बारा? हवा जगह रोकती है, हवा गुब्बारे को बड़ा करती है। गुब्बारे में भरी हवा गुब्बारे की दीवार पर देती है बाहर की तरफ धक्का। कारण के हवा बाहर निकलती थी इसलिए गुब्बारा उड़ा था। खेल आगे। इस बार पीना है स्ट्रॉ यानी नली से पानी, एक ऐसा काम जो हम दसियों बार करते हैं। पर क्या कभी सोचते हैं कि पानी स्ट्रॉ में ऊपर क्यों और कैसे चढ़ता है? पानी ऊपर आ गया क्योंकि हमने हवा मुंह में भरी इसलिए। एक स्ट्रॉ से पानी पी सकते हैं, क्या होगा अगर हम लें दो स्ट्रॉ? इस बार क्या करना है, एक स्ट्रॉ अंदर एक स्ट्रॉ बाहर ऐसे रखना है, देखा? और ये दोनों स्ट्रॉ मुंह के अंदर। सांस ऊपर खींच रहे हैं लेकिन पानी आया मुंह में, वो तो इस बार ऊपर चढ़ ही नहीं रहा। कितना आया? आ रहा है? पानी आ रहा है? नहीं, क्योंकि जो सांस हमने ली थी ना वो सांस दूसरी स्ट्रो से बाहर निकल गई, इसलिए पानी नहीं आया। क्योंकि एक स्ट्रो बाहर थी और एक पानी के अंदर थी इसलिए नहीं आया। हवा ने उसको धक्का नहीं दिया था इसलिए पानी ऊपर नहीं आया। खूब खोला राज। स्ट्रॉ से पानी पीने का यही विज्ञान। जब हम स्ट्रॉ को मुंह में रख सांस ऊपर खींचते हैं तो मुंह में दबाव हो जाता है कम। अब बाहर ग्लास में पानी के ऊपर होता है हवा का दबाव ज्यादा, वही देता है धक्का और पानी स्ट्रॉ में चढ़ता है ऊपर। लेकिन जब होते हैं दो स्ट्रॉ एक बाहर हवा में तो बात बदल जाती है। अब सांस ऊपर खींचने पर मुंह में दबाव कम नहीं होता, बाहर की हवा दूसरे स्ट्रॉ से अंदर जो आती रहती है, बस पानी ऊपर चढ़ता ही नहीं, स्ट्रॉ काम करता ही नहीं। हो जाए थोड़ी शैतानी, शैतानी बोतल के साथ। ढक्कन खोलो तो पानी बहता है बाहर, ढक्कन बंद तो पानी बंद। जब बोतल में हवा जा रही थी तब पानी निकल रहा था और जब हवा नहीं जा रही थी तब पानी नहीं निकल रहा था। ढक्कन लगाए तो पानी बाहर नहीं निकलता, ढक्कन से अंदर हवा जा रही है इसलिए हवा पानी को धक्का दे रही है। हवा चीजों को क्या करती है और दबाती है, क्या करती है? दबाती है। तो इसको क्या कहते हैं, हवा का दबाव, क्या कहते हैं? हवा का दबाव। अरे बुड़बुड़े बनाना बंद कर दो, पानी खींचो। अरे वही तो करने जा रहा था, मैं तो ये देख रहा था अंदर की हवा जा रही है कि नहीं।
मुझे तो लगता है जब तक स्ट्रॉ के अंदर की हवा खाली नहीं हो जाती तब तक अंदर पानी आ ही नहीं सकता। ये भी तो हो सकता है कि वातावरण के दबाव से पानी सिर्फ कुछ हद तक ही ऊपर आ पाएगा, हाँ या ना? हाँ, आपको क्या लगता है? हम एक स्ट्रॉ को ऐसे थोड़ा सा काट देंगे। कैसे काटा? ऐसे लंबा। उसके बाद हम उसको ऐसे थोड़ा सा गोल कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? छोटा। और छोटी चीज कैसे जाती है अंदर? आसानी से। ये हो गया एक का दो। एक का दो ही नहीं, हमें तो करना है दो का तीन, तीन का चार। जोड़ने हैं स्ट्रॉ एक एक कर, तब तक जब तक मुंह में आ जाए पानी। मुंह में आता है कि नहीं देखो। कितने लंबे स्ट्रॉ के साथ हम खींच सकते हैं पानी ऊपर। मजे का खेल। हमने जब हवा खींची ना, जब पांच स्ट्रॉ थी तभी हवा आ रही थी, तभी हवा ने उसको धक्का दिया था। फिर जब पाइप बढ़ गई ना तभी से ही पानी नहीं आया, कुछ भी नहीं आ रहा है अब तो। मतलब स्ट्रॉ की लंबाई की भी एक सीमा, क्योंकि खेल दबाव के अंतर का। पानी तभी ऊपर मुंह में आएगा जब बाहर की हवा देगी इतना दमदार धक्का कि पानी ऊपर तक चढ़ सके। तभी पाइप की तभी भी पानी आ रहा था, और एक और जोड़ी तो पानी नहीं आ रहा था। हवा हवाई दमदार हवाई का जोश। तीनों टीमों ने ले ली है जगह, मिली है खाली बोतल, पाना छेद करने के लिए टेप, कैंची और कागज के साथ स्केच पेन। चुनौती है ये, हर टीम को बनाना है दिए गए सामान के साथ इस तरह का पंप। इसका इस्तेमाल समझना है, समझना है कि काम क्यों और कैसे करता है। हाथों का खेल बुद्धि के साथ, यही तो है खुद बुद्ध। हमेशा की तरह अंक, सूझबूझ, समझदारी, मॉडल और नोट्स के लिए। जब आप इसको दबाओगे तो हाँ। हवा कहाँ जाएगी? अंदर। अंदर जाएगी कि यहाँ से बाहर निकलेगी? यहाँ से बाहर निकलेगी। समय परीक्षण का, क्या बोतल के पंप काम करेंगे और कैसे करेंगे? सबसे पहले दमदार हवा की प्रस्तुति। मुझे ये समझ में आया कि इससे हवा से पानी ऊपर चढ़ सकता है। जगह बन रही थी इसलिए पानी ऊपर आ रहा था। हमने हवा के बारे में सीखा, थोड़ा सा बाहर देने का और थोड़ा सा चिपका देने का। ऐसा क्यों किया था? जब हम दबाए ना तब वो ऊंचा हो जाता था, और जब हम रख देते तब वो नीचा हो जाता था। बारी हवा के जोश की। बोतल वाले पंप ने क्या पानी किया? अंदर लिया। क्यों? क्योंकि उसमें छिद्र था। जब हम दबा रहे थे तब नीचे वाले छिद्र में से पानी आ रहा था और ऊपर वाले छिद्र में से हवा निकल रही थी। हमने एक टैप आधा चिपकाया था और आधा खुला रखा। जो हमने टैप लगाया था ये दरवाजा जैसा था। क्या हवा हवाई भी समझ गए हैं राज बोतल पंप का? क्योंकि
हमने हवा बॉटल को दबाया तब पानी अंदर जा रहा था, क्योंकि हवा जब बाहर बाहर निकलती थी तब पानी अंदर जाता था। अगर आप ऊपर छेद नहीं बनाते और आप बोतल को दबाते तो क्या पानी ऊपर जाता? नहीं। तो फिर क्या होता? तो फिर पानी वहाँ से वहाँ रुक जाता, पानी एक ही तरफ जा सकता, दरवाजे की तरह। समय नती चौका, वैसे तो खूब खेले और समझे सब, पर सबसे अच्छी प्रस्तुति और नोट्स के लिए हवा के जोश को पहला पुरस्कार। दमदार हवा ने जीता दूसरा स्थान अपने अच्छे प्रदर्शन के लिए। हवा हवाई को मिला तीसरा स्थान, समझ बूझ में वो भी कम ना थे।